अब हम मल्टीथ्रेडिंग क्या होता है वो देखते हैं। मल्टीथ्रेडिंग देखने से पहले कॉन्करेंसी का मतलब देख लेते हैं। कॉन्करेंसी मतलब हम बहुत सारे प्रोग्राम को पैरेलली रन कर सकते हैं। पैरेलली मतलब कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम जो हो वो एक ही साथ रन हो एक ही टाइम पर। प्रोसेस जो है उसका मतलब होता है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नॉर्मल हम बोले तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाए और वो एग्जीक्यूट हो रहा हो तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। मल्टीथ्रेडिंग जावा में बहुत सारी प्रोसेस को एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है। थ्रेड की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो थ्रेड को बेसिकली हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं और ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट। मल्टी थ्रेडिंग जो है वो नॉर्मली गेम्स और एनिमेशन के अंदर यूज होता है। जैसे कि एक सेकेंड के बाद कुछ आए, आपने वो मारियो वाली गेम देखी है, अपने बचपन में बहुत सारी खेली होगी, राइट। तो उसमें मारियो जब जंप करता है उसके बीच में विद इन अ सेकेंड का डिफरेंस आता है, राइट। तो ये जो होता है सब कुछ वो मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से होता है। हमें कुछ गैप्स डालने हो, थोड़ी देर के लिए कुछ स्लीपिंग मोड में भेजना हो, राइट, तो ये सब होता है मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग के बहुत सारे एडवांटेज है। इसका मतलब पहले तो ये कि इसमें कभी यूज़र ब्लॉक नहीं होता, राइट। मतलब कि हम इसके अंदर यूज़र को कभी भी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे ही थ्रेड इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब कोई एक थ्रेड का भी एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है तो उसके साथ या बाद वाले कोई थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि हर एक थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंट है और हम एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे तो टाइम भी बहुत कम लगेगा, ये भी इसका एडवांटेज है। थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और ये एक दूसरे को कोई भी अफेक्ट नहीं करते। इसका मतलब कि सपोज़ कि मेरे पास 5 थ्रेड है, उसमें से थर्ड नंबर के थ्रेड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सेकेंड नंबर या फोर्थ नंबर वाले थ्रेड को इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। मतलब कि इसका कोई भी असर उन दोनों थ्रेड पर नहीं होगा,